अरे नहीं भैया, बुधवार नहीं, मंगलवार। मंगलवार को हमें अपने सारे कपड़े धो के इस्त्री करके हमारे हाथ में चाहिए। बुधवार को तो हम लोग गाँव जा रहे हैं। चुगली। आया समझ में? हम लोग पापा के सामने सुधर कर चलते हैं, तो पापा सोचेंगे कि अब जब हमारी बेटियां सुधर ही गई हैं, तो उन्हें गाँव ले जाने की क्या जरूरत है। गुड आइडिया। गुड आइडिया। आइडिया तो गुड है दीदी, लेकिन मारी समझ में यो नहीं आ रहा सर, मैं पापा को सुधर कर कैसे दिखाऊं? अरे मेरा प्लान तो सुनो। देखो सिर्फ गांव जाने के नाम से तुम लोग इतना सुधर गए हो, तो गांव जाकर कितना सुधरोगे सोचो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बापू, यू गांव जाने का प्लान कैंसिल नहीं हो सकता के? हाँ। अरे चुप, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या लगता है तुम लोगों को, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हम तुमको बकलोल दिखाई देते हैं क्या है? देखो हमको अच्छी तरह पता है कि तुम लोग सुधरने का नाटक कर रही हो, लेकिन असलियत में तुम लोग सुधरी नहीं हो, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, हमारा गांव जाना एकदम अटल है, बुधवार को हम लोग गांव जा रहे हैं, ठीक है? अटेंशन सर, होने की कोई जरूरत नहीं है आनंद, क्योंकि ना तो आज से तुम मेरे स्टाफ रहे ना मैं तुम्हारा बॉस रहा, क्योंकि अभी अभी तुम अपना रेजिग्नेशन मुझे दे चुके हो। सर आप तो जानते हैं कि किन कारणों की वजह से हमको ये नौकरी छोड़कर, बनारस छोड़कर अपने गांव जाना पड़ रहा है सर, वरना आप जैसा बॉस कहाँ मिलता है? यही मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आनंद कि आज के बाद मैं अटेंशन किसे कहूंगा। ऑफिस में और बहुत स्टाफ है सर। नहीं आनंद, जिन लोगों को मैं टेंशन समझता हूं उनसे मैं अटेंशन की उम्मीद नहीं रखता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये गांव जाने और अपनी नौकरी छोड़ने के विचार पर फिर से पुनर्विचार करो। मथुरा दास गारमेंट्स के मालिक मथुरा दास ने आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है कि आपने उनके गोदाम से 50 कंबल चुराए हैं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब? कोई गलत फहमी नहीं हुई, अभी अभी हमको आपके घर पर पता चला है कि आप लोग गांव शिफ्ट करने की तैयारी में हैं। मतलब ये कि 50 कंबल चुराने के बाद आप गांव जाकर कंबल ओढ़कर घी पीना चाहते हैं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब।